हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कुछ लोग सुंदर होते हैं और कुछ लोग ठीक ठाक दिखते हैं, लेकिन मैं तो कतई जहर हूँ जहर। लोग देखते ही मर जाते हैं। इतना कहकर खुशी जल्दी से अपनी रिकॉर्ड की हुई रील को देखती है और खुद से बोलती है, वाह क्या कमाल की रील बनी है एक बार में ही, जल्दी से अपलोड कर देती हूँ इंस्टाग्राम पे। अरे वाह, अपलोड करते ही लाइक और कमेंट आने लग गए। ओए होए, मैं तो फेमस हो गई। खुशी एक सोशल मीडिया का कीड़ा थी जिसे रील्स बनाना, एक्ट करना और फिर उनको सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपलोड करके वह वाई लूटने में बड़ा मजा आता था। उसे जब जैसे जहां मौका मिलता वो रील्स बनाना शुरू कर देती। ऐसे ही एक दिन वो अपनी कमरे में बैठी हुई रील बना रही होती है और बोलती है, मैं तेनु फेर मिलांगी। आए हाय, तेरे मथे दी लकीर बन के तेनु तक दी रवांगी, पर मैं तेनु फेर मिलांगी। खुशी इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ उसकी माँ नीमा हाथों में बेलन लिए उसके पास आती है और उसे मारते हुए बोलती है, बेशरम सी, सारा दिन इस फोन में उंगलीबाजी करती रहती है, टेढ़े मेढ़े मुंह बनाकर सारा दिन पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। इतना दिमाग घर के कामों में लगा ले, कहीं अच्छे घर में तेरा रिश्ता हो जाएगा। आज के बाद मैंने तुझे ये रील बनाते हुए देख लिया ना, तो मैं तेरी फिल्म बना दूंगी। वाओ माँ, क्या लाइन बोली है आपने, दोबारा बोलना। बकवास बंद कर अपनी तू, समझी, और काम कर जल्दी से, नहीं तो तेरा मैं ये फोन ना अभी तोड़ दूंगी। अरे माँ थांबा थांबा, करती हूँ सारा काम, मैंने कहा मैं सारा काम करती हूँ, बस फोन को कुछ मत करो। नीमा वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद खुशी इंस्टाग्राम पर लाइव आती है और बोलती है, हेलो माय लवली इंस्टा व्यूअर्स, मैं आपकी अपनी खुशी। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये मेरा रूम है। सॉरी मुझे क्लीन करने का टाइम नहीं मिल पाया ज्यादा। आई नो कि आप सब मेरी नई रील की वेट कर रहे थे, पर आज किसी वजह से मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। आज के लिए सॉरी गाइस, बस अपनी खुशी को याद करते रहिए और मेरे नेक्स्ट रील का वेट करते रहिए। इतना बोलकर खुशी जल्दी से फोन साइड में रखकर बाहर जाती है और अपनी माँ के साथ कामों में हाथ बटाने लगती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक दिन खुशी के लिए अक्षय नाम के पढ़े लिखे लड़के का रिश्ता आता है। दोनों परिवार वाले अपनी आपसी सलाह से रिश्ता पक्का कर देते हैं और आखिरकार खुशी और अक्षय की शादी का दिन आता है। दोनों वर वधु को फेरों के लिए मंडप में बैठाया जाता है। जैसे ही पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, तभी खुशी उनको रोकते हुए बोलती है, पंडित जी रुको रुको, एक रील बनानी है। इतना कहकर खुशी जल्दी से अपने लहंगे के साथ लटके हुए पाउच में से अपना फोन निकालती है और रील्स बनाते हुए बोलती है कि मैं हूँ, ये मेरा दूल्हा है और हमारी शादी हो रही है। जिसके बाद शादी की बाकी रस्मों को पूरा करके शादी संपन्न होती है। शादी के बाद खुशी अच्छी बहू की तरह घर का सारा काम किया करती थी, पर उसका रील बनाने का शौक अभी भी जारी रहता है। ऐसे ही एक दिन वो अपने कमरे में बैठी हुई रील बना रही होती है और हाथों में सिंदूर लिए बोलती है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, हर सुहागन के सर का ताज होता है ये एक चुटकी सिंदूर। तभी कमरे के बाहर खड़ी खुशी की सास शांति उसको ये सब कहते हुए सुन लेती है और गुस्से में तिल मिलाती हुई उसके पास आकर बोलती है, करम जली तेरा नाश हो जाए, कौन से रमेश बाबू से बतिया रही है, उसके नाम का सिंदूर भी लगा रही है। अरे मेरे बेटे का नाम अक्षय है कलमुही। अरे माँ जी, मैं तो रील बना रही थी, मैं बस अक्षय जी की वाइफ हूँ, मैं उन्हीं से प्यार करती हूँ। अरे ये तो ओम शांति ओम मूवी का डायलॉग था, ये देखिए। अच्छा ठीक है, वैसे बहू तू अच्छी लग रही है, मुझे भी बता जरा कैसे बनाते हैं ये रील। अरे माँ जी बहुत सिंपल है, मैं आपको भी सिखा दूंगी, फिर हम दोनों मिलकर रील बनाएंगे, बड़ा मजा आएगा। इतना कहकर खुशी जल्दी से शांति के फोन में इंस्टाग्राम को डाउनलोड करती है और उस पर शांति का प्रोफाइल बनाती है, जिसके बाद वो जल्दी से उसे रील बनाने का सारा तामझाम समझा देती है। साथ ही खुशी अपनी सास को रील अपलोड करके लाइक शेयर और कमेंट के बारे में भी सब बताती है। अब दोनों सास बहू मिलकर सारा दिन रील बनाया करती थी। ऐसे ही एक शाम
अक्षय ऑफिस से घर आता है और फ्रेश होकर खाना खाने के लिए टेबल पर बैठ जाता है, जिसके बाद वो देखता है कि सारे बर्तन खाली हैं और खाना तो बना ही नहीं। और उसके बाद वो शांति और खुशी को आवाज लगाता है। माँ, खुशी, कहाँ हो आप दोनों? अरे भूख लगी है, खाना मिलेगा या नहीं? अक्षय कुछ देर तक दोनों का इंतजार करता है, पर दोनों में से कोई भी उसके पास नहीं आता। और उसके बाद वो खुद उठकर उन दोनों को तलाशता है और देखता है कि दोनों सास बहू अपने अपने कानों में हेडफोन लगाए रील्स का मजा ले रही है, जिसके बाद अक्षय दोनों के कानों से हेडफोन निकाल देता है और चिल्लाते हुए बोलता है, माँ खुशी, ये क्या पागलपन है आप दोनों का? मैं कब से आपको आवाज दे रहा हूँ, मुझे भूख लगी है, पर मजाल है कि आप दोनों सुन लें? सुनना तो दूर की बात है, आप दोनों को यही नहीं पता कि मैं घर में आ भी गया हूँ या नहीं? खाना तक नहीं बनाया आप दोनों ने, अगर इतना ही बिजी थे तो बता देते, मैं खाना बाहर से ले आता। अरे बेटा क्या बताऊं, रील का ऐसा स्वाद लगा है कि खाने पीने का होश ही नहीं रहता। आपको नहीं रहता है, पर मुझे तो रहता है ना, मेरा पेट खाना मांग रहा है। तभी खुशी एकदम से बोलती है, मुँह पे हिस्सा मारूंगी, सीधा दीवार में जाकर पड़ेगा रामजादा। उसकी बात सुनकर अक्षय को और गुस्सा आता है और वो बोलता है, क्या बकवास कर रही हो तुम, एक तो तुमने खाना नहीं बनाया, ऊपर से ऐसा भी बोल रही हो। अरे नहीं नहीं बेटा, वो तुझे नहीं बोल रही, वो तो नई रील आई है, उसी की प्रैक्टिस कर रही है। बस करो माँ, कम से कम आप तो समझदार बन लो, और तुम ये अपना रील का ड्रामा बंद करो और जाके खाना बनाओ, समझी? नहीं तो कान के नीचे पड़ेगा एक करकरारा और फिर बनेगा बढ़िया नजारा। अक्षय की बात सुनकर खुशी गोली की तरह भागती हुई रसोई में जाती है और खाना बनाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और अब रील्स के चलते कभी सब्जी में नमक ज्यादा होता तो कभी टिफिन बॉक्स में खाने की जगह टीवी का रिमोट होता। अपनी माँ और बीवी की इन हरकतों से परेशान होकर अक्षय एक प्लान बनाता है और अपने साथ एक सुंदर सी लड़की को घर लेकर आता है, जिसे देखकर खुशी बोलती है, सुनिए जी, ये कौन है? ये मेरी बीवी है। पागल हो गए हैं? आपकी बीवी मैं हूँ। अच्छा, तुम्हें याद है मैं तुम्हारा पति हूँ? ना मुझे तुम कोई टाइम देती हो, ना कोई काम करती हो। तुम्हें ये याद है कि आखिर बार हमने कब बैठ के बात करी थी? सारा वक्त तो तुम रील में घुसी रहती हो, तो एक काम करो, उन्हीं के साथ खुश रहो ना। तभी वहाँ शांति आती है और सारी बात सुनकर बोलती है, बेटा ये क्या बदतमीजी है, मेरी बहू खुशी है और मैं किसी भी बाहर वाली को अपनी बहू नहीं मानूंगी, समझा? और जो बदतमीजी आप दोनों कर रही हो उसका क्या? रील बनाकर अपना मनोरंजन करना अच्छी बात है, पर उसके पीछे सब भूल जाना, ये पागलपन कहलाता है जो आप दोनों में है। उम्मीद है आप दोनों को समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अक्षय की बात सुनकर शांति और खुशी का सर शर्म से झुक जाता है, जिसके बाद वो दोनों अक्षय से माफी मांगती है और अक्षय भी उनको अपने झूठे नाटक का सच बताता है, जिसके बाद से शांति और खुशी बस अपने फ्री टाइम में ही फोन चलाती और रील्स बनाती, और इस तरह रील्स बनाने वाली बहू का भूत उतर जाता है। कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर दुबे जी आज सभी बच्चों की प्रैक्टिकल फाइल चेक करने वाले थे। अम्रपाली, जो कि अपनी मस्ती मजाक में रहने वाली लड़की थी, वो अपने दोस्तों से कहती है, देखना दोस्तों, आज मैं इस दुबे की कैसे घंटियां बजाती हूँ, जब देखो तब पढ़ा पढ़ा के बोर करता रहता है। अरे इसका नंबर हाथ लगाए मेरे, अब देखना क्लास में कैसे घंटियां बजती है, चलो मेरे साथ। सभी लोग क्लास में जाते हैं और जैसे ही दुबे जी कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, तभी अम्रपाली अपने फोन से उनके फोन पर मिस कॉल मार देती है और दुबे जी अपना फोन चेक करने लगते हैं, जिसके बाद वो फोन जल्दी से अपनी जेब में डाल देते हैं। ऐसे ही वो फिर से कुछ बोलते हैं और फिर से वो मिस कॉल मार देती है। दुबे जी बाहर जाकर फोन करते हैं उसी नंबर पर। अम्रपाली उनको अपनी बातों में खूब फंसाती है और उनका पूरा लेक्चर खराब कर देती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। अम्रपाली एक दिन अपने बॉयफ्रेंड दिनेश को मिस कॉल करती है और फोन कट कर देती है। वो बार बार उसके फोन पर मिस कॉल मारकर उसे परेशान करती है।
थोड़ी देर बाद दिनेश खुद उसे फोन करता है और उससे बोलता है, मिस कॉल मारा तरु किस देबू का हो। हाय मेरे निरहुआ। अम्रपाली रे मन कर कछ देना खाली। अरे अरे बहुत हो गया भोजपुरी भोजपुरी। हो क्या गया, हम यूपी गोरखपुर से हैं मैडम। जहिया जाता मैं निरहु पिसा जईबा पिसा जईबा टूटल खुदी के जैसन छिटा जईबा। अरे वाह मेरी अम्रपाली। यार क्यों ना हम कल मिले, कितने दिन हो गए हैं हमें मिले हुए और एक किस किए भी तो कितने दिन हो गए हैं। वाह लड़की शर्माती नहीं है बिल्कुल। अरे तुमसे कैसी शर्म, और एक किस तो हमारा कोड वर्ड है, किस करने के लिए किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ ठीक है कल मिलते हैं। अगले दिन दोनों एक दूसरे से होटल में मिलने जाते हैं, जहाँ अम्रपाली उससे बोलती है, यार एक बात बताओ मुझे, तुम अपनी मम्मी से कब मिलवा रहे हो मुझे। करवाऊंगा ना यार, मुझे अभी के अभी उनका नंबर चाहिए, दो ना। दिमाग सही है तुम्हारा। हाँ मेरा तो खराब है पर तुम्हारा तो सही है ना, दो फिर नंबर। अम्रपाली की जिद के आगे दिनेश को झुकना ही पड़ता है और वो अपनी माँ देवकी का नंबर उसे दे देता है, जिसके बाद अम्रपाली उसी के सामने देवकी को 5 से 6 बार मिस कॉल दे देती है। थोड़ी देर बाद देवकी बैक कॉल करती है और बोलती है, हेलो जी कौन बोल रहा है। जी मैं इंस्पेक्टर अम्रपाली बोल रही हूँ, आपके खिलाफ एक FIR दर्ज करवाई गई है आपके बेटे के थ्रू। उनका कहना है कि आप उनकी शादी जबरदस्ती किसी लड़की से करवा रही हैं, जबकि उनकी पहले से ही गर्लफ्रेंड है और उनकी गर्लफ्रेंड उनका इंतजार भी कर रही है। तो बताना चाहिए ना हमरे बिटवा को कि उसकी कोनो गर्लफ्रेंड है, हम करवाई देते उसकी शादी। धन्यवाद माता जी। देवकी डर के मारे फोन काट देती है और तभी अम्रपाली दिनेश से कहती है, आज तुम अपनी मम्मी को ना मेरे बारे में सब कुछ बताओगे सच सच। ठीक बात डार्लिंग। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन दिनेश अपनी माँ को अम्रपाली के बारे में सब बता देता है। उसकी माँ को अम्रपाली देखते ही पसंद आ जाती है और अम्रपाली के घर वालों से मिलकर दोनों की शादी की बात भी पक्की हो जाती है। कुछ ही दिनों के बाद दोनों की शादी हो जाती है और अम्रपाली अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभा लेती है, मगर उसकी मिस कॉल मारने की आदत नहीं जाती। वो अपनी सास को मिस कॉल मार मार कर खूब परेशान किया करती। ऐसे ही एक दिन उसकी सास रात को कमरे में सो रही होती है कि अम्रपाली उसके फोन पर मिस कॉल मारती है और उसे खूब परेशान करती है। इस सबसे देवकी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे आवाज लगाते हुए कहती है, अम्रपाली अरे ओ अम्रपाली कहाँ मर गई डायन कहीं की, चैन से नींद भी नहीं लेने देती। हाँ जी माँ जी। अरे नास पीटी बार बार मुझे मिस कॉल मार कर क्यों परेशान कर रही है, रात को तो चैन से जीने दे। माँ जी मैंने नहीं किया, ये आपके बेटे की हरकत है, मुझे भी बार बार मिस कॉल कर रहे हैं। अरे और नास पीटे जरा इधर तो हा, बताओ तुझे अभी का है माँ बोलो। अरे तू बार बार मुझे मिस कॉल क्यों मार रहा है, पगला गया है क्या इतनी रात को। अरे माँ ये सब इसकी हरकत है, आप ही सुलटो इससे। अरे बेलुड़ी शर्म नहीं आती तुझे झूठ बोलते हुए। माँ जी थोड़ी बहुत मस्ती मजाक तो चलता है ना। काहे का चिल पिल, अरे कभी कभी हद से ज्यादा मजाक ना घातक साबित हो सकते हैं, और तुझे क्या बार बार इस बुढ़िया को मिस कॉल मारने में मजा आता है क्या, काहे परेशान करती रहती है मुझे। माँ जी आप भी ना जरा सी बात को चिंगम की तरह खींचे ही जा रही हैं। अरे मेरी आदत है सबको मिस कॉल करने की, बस और कुछ नहीं, मुझे मजा आता है ये सब करके। देखिए तो मैं बताए दे रही हूँ तुझे, तेरा ये मजाक ना एक दिन तुझे ही ले डूबेगा, समझ जा अभी से। आप ना बस मन में वहम पाल के बैठी हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, भला मिस कॉल से भी कोई नुकसान होता है। माँ सही कह रही है और बड़े हमेशा सही बोलते हैं, उनकी बात माना करो समझी। हाँ हाँ समझ गई, ठीक है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और अम्रपाली कुछ दिन के लिए मिस कॉल मारना छोड़ देती है, जिसके कारण घर में सभी लोग बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। वो अच्छी बहू की तरह घर का सारा काम करती है।
ऐसे ही एक दिन दिनेश बाइक से वापस घर लौट रहा था कि तभी अमरपाली उसे बार बार मिस कॉल मारना शुरू कर देती है और दिनेश का माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। आसपास के लोग उसे उसी वक्त हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। थोड़ी ही देर बाद हॉस्पिटल से देवकी के घर फोन आता है। वो भी रोते भागते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाती है जहां डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। थोड़ी देर बाद अमरपाली रोते रोते देवकी से बोलती है, माँ जी ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं बार बार दिनेश को मिस कॉल कर रही थी, शायद इसी वजह से उनका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो गया और वो ये अगर आज मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तू ही होगी। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अब से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं, जी देखिए अब वो ठीक है, मामूली सी चोट लगी थी, उनको हमने पट्टी कर दी है, आप कल उन्हें घर ले जा सकती हैं और मैंने कुछ पेन किलर लिखी हैं, आप वो उन्हें टाइम पर दे दीजिएगा। अमरपाली दिनेश से मिलने के लिए उसके वार्ड में जाती है और रोते हुए उससे कहती है, मुझे माफ कर दीजिए दिनेश, आज मेरी वजह से आपकी ये हालत हो गई। मुझे नहीं पता था कि मेरे बार बार मिस कॉल करने की वजह से एक दिन कुछ ऐसा हो जाएगा। आज मेरी वजह से आप यहाँ पर हैं। अब से मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी। अरे मिस कॉल तो क्या, मैं फोन भी नहीं चलाऊंगी कभी। आज मेरी शरारतों की वजह से मेरा सुहाग उजड़ते उजड़ते बचा है। कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि मेरे चोट लगने से ही सही, पर कम से कम तुम्हें ये चीज समझ तो आई कि बिना वजह किसी को परेशान करना कितना गलत हो सकता है। और अब रोना बंद करो, इतनी चोट नहीं लगी है मुझे। कुछ ही दिनों के बाद वो लोग दिनेश को लेकर घर लौट जाते हैं और इस तरह अमरपाली का मजाक एक बड़े हादसे को बुलावा दे देता है। लेकिन भगवान की कृपा से दिनेश को छोटी सी चोट लगती है। अमरपाली को इस सब से अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब वो लोगों को बार बार मिस कॉल मारकर परेशान करना बंद कर देती है। साथ ही उन्हें प्यार से और उनके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। देवकी भी उसको ऐसे देखकर उसे माफ कर देती है, जिसके बाद पूरा परिवार एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये मिस कॉल मारने वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।